सिमी को देखिए थोड़ा ये छोटा है थोड़ा हाइट अब सर यूनिक कलर बनाया गया है रोज को लाल से गोल्डन कर दिया गया है। रहुआ देखलवानी पवन ब्लॉग। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज इतना शाम को ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरे भैया का बर्थडे सॉरी भैया का बेटे का बर्थडे है विशु का। तो उसको तो मैंने सुबह ही विश कर दिया हैप्पी बर्थडे, लेकिन उसका बर्थडे बस अभी जा रहा है, केक लेने हम लोग जाएंगे, आ रहे हैं भैया केक लेने चलते हैं। और आज उसके ब्लॉग में बहुत ही मस्ती होगी, बहुत ही मजा करेंगे, कोशिश करेंगे और विशु से भी मिलाएंगे। शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन आज आपको उससे मिलाएंगे और बेटी भी है उससे भी बरसा से भी मिलाएंगे। चलते हैं, पहले भैया आ रहे हैं यहाँ से केक लेने और ये रही हमारी सिमी। सिमी पहले हम लोग केक की दुकान पे आ चुके हैं और अभी हमारा केक बना नहीं है, बनेगा अभी केक कुछ देर में, तथा हम लोग सजावट का सामान ले ले। तो पहले लेते हैं बैलून, गोल्डन ले बा गोल्डन है को सिल्वर कौन है तक गोल्डन रहती तो ब्लैक कहत रहा ना कौन है बढ़िया लगा ब्लैक या रेड में गोल्डन ब्लैक ले ला तो विश्वा कौन कहला तू भी ना अरे देता गोल्डन है विश्वा कहता तो गोल्डन तो फाइनली जिसका बर्थडे है वो बोल रहा है गोल्डन और ब्लैक। हमने सोचा था कि ब्लैक क्या हो ब्लैक और रेड चलते रहे कुछ देर बाद मतलब केक लेने आएंगे हम लोग, तो चलते हैं बैलून के घर डेकोरेशन करने। तो फाइनली हम आ चुके हैं बर्थडे बॉय के पास और ये रहा अपना बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे बेटा। हेलो। ये रहा थोर अपना थोर। सिमी को देखिए थोर है थोर। चल हो गया हो गया तो बस डेकोरेशन करना चालू करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए क्योंकि अंधेरा हो चुका है और केक भी जाना है लाने, तो जाएंगे केक लाने तो पहले डेकोरेशन कर ले। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं केक के दुकान पे और हमारा केक रेडी हो चुका है। ये खुला फ्रिज और ये रहा केक और केक का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, ये गोल्डन गोल्डन फूल गुलाब का लाल रहा तो गोल्डन गोल्डन भाव यूनिक कलर बनाया गया है रोज को लाल से गोल्डन कर दिया गया है और केक देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो केक लेके चलते हैं यहाँ से तुरंत पैकअप करवा के निकलते हैं यहाँ से, लोग केक पैक करवा के और पैक करवा के निकलते हैं। डेकोरेशन भी हो चुका है, केक काटने का इंतजार भी हो रहा है, सिर्फ केक लेने में लेट रहा तो हम लोग केक लेने आ गए। तो केक लेके चलते हैं यहाँ से तुरंत निकलते हैं रवाना होकर। फाइनली मैं केक लेके आ चुका हूँ घर और ये हमारे भांजे आए हुए हैं सनी सुजीत। अरे ये क्या है सुजीत, इसका मतलब सिस्टम सिस्टम के नीचे रहना होगा, सिस्टम पैर के नीचे रहना होगा और ये है हमारा भाई नीतीश। तो डेकोरेशन वेकोरेशन हो गया है, डेकोरेशन फाइनली हो गया है नीचे, तो चलते हैं नीचे दिखाते हैं आपको डेकोरेशन कैसा हुआ है। फाइनली बर्थडे तो केक काटने के लिए रेडी है, लेकिन हमारा गिफ्ट मेरे घर पे है दूसरे वाले घर पे और ये रहा शिवम, ये रहा लोक, ये छोटा है थोड़ा हाइट। अब शूटिंग भी चालू होगा शॉर्ट फिल्म का बहुत ही जल्द, का है कि होली का शूट कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि होली आ गई थी बहुत जल्दी और शूटिंग आधा ही कंप्लीट हुआ था, जिसके कारण मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया। तो अभी चलते कर देना है मोए मोए, तो उसके लिए आप रेडी रहिए शॉर्ट फिल्म के लिए, बहुत ही जल्द देने वाला हूँ शॉर्ट फिल्म, हो सकेगा तो 3-4 दिन के अंदर शूट भी चालू कर दूंगा। तो आपको दिखा दूँ गिफ्ट क्या है ये, अरे हार्ड प्लास्टिक विकेट, क्रिकेट खेलेगा बच्चा सयाना हो गया है इसलिए मतलब हम लोग मारते बड़ा ना हम जान से नहीं मारे लग गया है। तो ये हार्ड प्लास्टिक विकेट इसको गिफ्ट देंगे आज क्योंकि वैसे भी दुकान में रखा हुआ था और वैसे हमारे ये खेलने की कुछ है नहीं क्योंकि हम लोग सयाने हो गए गधे गधे हो गए। तो चलते हैं विशु को यही गिफ्ट देंगे, पैक नहीं करा इसका उम्र हाइट छोटा है उम्र ज्यादा है। तो चलते तो फाइनली आ गई है केक काटने की बारी, ये रही बड़ी मम्मी जो विशु को आरती दिखा रही है और ये रही विशु की मम्मी यानी हमारी भाभी माँ, ये भी आरती देख रही है, ये रही मेरी मम्मी जो विशु को आरती दिखा रही है और ये रही मेरी भाभी पंकज भाभी और ये रही हमारी बहनें सब। तो बारी बारी से सब विशु को आरती और अक्षत छीत रही है और दिखा रही है। अब आ गई है केक काटने की बारी, ये रही विशु की बहन छोटी वाली वर्षा और फिर केक काटने की बारी आ गई और विशु केक काटने बैठ गया।
तो केक कट होने के बाद विशु को गिफ्ट वितरण मिल रहा है, बहुत सारा गिफ्ट मिल रहा है जो ये रख नहीं पा रहा है। और फिर ये हमारे भैया जी जो विकेट गिफ्ट था वो गिफ्ट विशु को दे दिए। अब देखिए शिवम को कैसे पीछे से कोई एक लड़का मारा, बहुत लड़के मार रहे थे बारी बारी से और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, सिर्फ यही चल रहा था, हंसी मजाक मारा पीटी यही, मतलब जो खड़ा है चुचास उसको पीछे से बच जा रहा है। देखिए शिवम किसी को मारा, फिर ये मारते रह रहा है साहब, इसको भी बज रहा है, ऐसी बात नहीं, इसको भी पीटा जा रहा है। देखिए फिर इसे भी कोई मारेगा, ये जैसे बीच में खड़ा है, देखिए मारा राय जी, मारा इसको राय जी ने, इसको मारा। और इसी तरह के छोटे बच्चे को शिवम परेशान करेगा, देखिए कैसे पीछे से पकड़ खींच दिया, वो छोटा बच्चा गुस्से में कुछ बोलता भी है, देखिए कैसे कुछ बोलता है। फिर शिवम अचानक कैमरे पर देखता है, फाइनली बर्थडे पार्टी ख़त्म हो चुका है और मैं अपने अभी घर पे आ गया हूँ, अपने रूम में आ गया हूँ और नींद भी बहुत तेज आ रही है क्योंकि लगभग 12-1.30 बज रहा है रात को। और वीडियो भी एडिटिंग भी करना है, ये बना लूँ, शूट कर लूँ, उसके बाद एडिटिंग भी करूँगा और सोच रहा हूँ शॉर्ट फिल्म भी बनाऊँ बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैं होली का शूट कर रहा था शॉर्ट फिल्म, लेकिन होली का शूट कर रहा था, क्या हुआ कि होली में टाइम ही नहीं बचा, आधा छूट हुआ था और जो लड़के काम कर रहे थे उनके उसका एग्ज़ाम आ गया, कुछ लड़कों का एग्ज़ाम आ गया, शिवम था जैसे शिवम है उसका एग्ज़ाम आ गया, वो एग्ज़ाम मेरे जान चला गया। फिर होली के दो दिन बचा, दो दिन में मैं शूट तो कर लेता, एडिटिंग कैसे कर पाता, इसी कारण मैंने वो शूट कैंसिल कर दिया था। लेकिन आधा से ज़्यादा मेहनत मैंने उस वीडियो में कर दी थी और ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, तो ब्लॉग कोशिश करूँगा एक सप्ताह में एक या दो ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।